तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको Redmi 9A MIUI 12.5 एनहांस Android 11 के इंडिया स्टेबल अपडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि अब इस डिवाइस के लिए यहां पर MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट, Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द आ सकता है। अब ऐसा मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बताया है Redmi 9A एक लो एंड डिवाइस है और इस डिवाइस के लिए 12.5 अपडेट कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा विद Android 11। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ आ गई है, उस वाली चीज़ की मदद से यहाँ पे Redmi 9A डिवाइस के लिए 12.5 का अपडेट रिलीज़ किया जा सकता है विद Android 11। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन की पूरी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे Redmi 10A डिवाइस लॉन्च होने वाला है, और Redmi 10A डिवाइस में क्या क्या चेंजेस हैं Redmi 9A से, तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे Redmi 10A डिवाइस इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और इस अपडेट की मेरे कहने का मतलब इस फ़ोन का प्राइस आपको 8500 और 9500 देखने के लिए मिल जाता है, और आपको ये वाला वेरिएंट 3GB और 4GB रैम में अवेलेबल यहाँ पर है। और यहाँ पे Redmi 9A प्लस फिंगरप्रिंट इज इक्वल टू Redmi 10A, तो इसका मतलब क्या है, तो Redmi 9A डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन Redmi 10A डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट कैमरे के साइड में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर Redmi 10A डिवाइस में भी MediaTek Helio G25 प्रोसेसर है, 6.53 इंच HD प्लस IPS डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है, 10 वॉट का इनबॉक्स चार्जर है, माइक्रो USB है, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये डिवाइस यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स हमें Android 11 और MIUI 12.5 देखने के लिए मिलता है, ना कि Android 10 और MIUI 12। तो यही चेंजेस है Redmi 9A Redmi 10A में। Redmi 9A डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 MIUI 12 था, और Redmi 10A Android 11 MIUI 12.5 है, और इसका प्राइस भी यहाँ पे 3GB 32GB का 8500 है, और 4GB 64GB का 9500 हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इस डिवाइस का कोड नेम की बात करें तो Redmi 9A डिवाइस के कोड नेम है Dandelion, और Redmi 10A डिवाइस का कोड नेम है Dandelion C312। तो इसका मतलब Redmi 9A 10A डिवाइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों डिवाइस बिल्कुल सेम है, बस Redmi 10A में फिंगरप्रिंट सेंसर है, और अब Redmi 10A डिवाइस की हेल्प से Redmi 9A डिवाइस के लिए MIUI 12.5 Android 11 की रोम को पोर्ट करके Redmi 9A डिवाइस में सक्सेसफुली यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहां पे कब तक कंफर्म हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे MIUI GO को भी रिलीज़ किया जाने वाला है, और मैं उस पर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने YT चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे Redmi 10A इंडिया में लॉन्च हो चुका है, Redmi 9A का डुप्लीकेट फ़ोन, बस इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर एक्स्ट्रा है, और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 MIUI 12.5 देखने के लिए हमें मिल जाता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।